ये कोशिश होगी कि आपसे जो है वो रेगुलरली बेसिस पे हो सके, तो जिसने हमें टिकटॉक लाइव पे ज्वाइन किया है वो ज़रा नीचे कमेंट करता रहे। तो आज बेसिकली हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगे और हम उनकी प्रॉब्लम पे बात करेंगे और उनके लिए क्या बेस्ट जो है वो सेल्फ हेल्प हो सकती है, वो कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो सारा जो है वो इंशाल्लाह मैं जो अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो लोग भी हमारी जो है वो इस लाइव का हिस्सा बनना चाहते हैं वो सिंपली हमें जो है वो टिकटॉक पे जो है वो फॉलो कर लें और उसकी जो है वो एक जो है वो स्क्रीन शॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर दें और मैसेज कर दें उस पर, फिर हमारी टीम जो है वो उसको उनको मैसेज जो है ना वो दे देगी, टाइम दे देगी। तो अभी तक तो कोई भी लाइव नहीं आया, चलें गेस्ट की तरफ जाते हैं, देखते हैं, गेस्ट को इनवाइट करते हैं, गो लाइव इनवाइट। भाई का क्या नाम था, मैनेजर से पूछते हैं कि भाईजान अभी तक क्यों नहीं लाइव आए, क्यों नहीं लाइव आए जी। वेट कर रहे हैं भाई का, शायद भाई आ जाए लाइव। कोई तो आ जाए लाइव, मैं तो आ गया लाइव एज पर कमिटमेंट। लंबा वेट,
लंबा वेट, कितने लोगों ने कहा था लाइव पर आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आप हमारी मदद कीजिएगा, वो कितने हो, कोई भी नहीं, सब भाग, कोई बात नहीं है, एज पर कमिटमेंट मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कोई आए ना आए। वेट करेंगे सबका वेट करेंगे। किधर गया वो एक बंदा था, वो भी वैसे यार लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमें मदद चाहिए, और जब कोई इंसान मदद करने की नीयत से आता ना, तो समझ नहीं आती यार लोग क्यों ऐसा करते हैं। मतलब आज 4-5 लोगों को टाइम दिया, कोशिश थी कि चलो यार आज 5 लोगों का जो है ना वो मसला सॉर्ट आउट हो सके। हैरत है यार हमारी कौम पे, हैरत। किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, गलत है ये बात। हमें दूसरों के वक्त का एहसास करना चाहिए। ज्वाइन किया है किसी भाई ने, लाइक्ड लाइव, मोहम्मद खान, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है आप? ओए इतने लाइक ठोकते जा रहे हैं आप, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बाकी टीम का है मुझे तो समझ नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। आप सुनाएं, आप ठीक, आप क्या करते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, आप मुझे थोड़ा उस हवाले से गाइड कीजिएगा। मैं कतर से बात कर रहा हूँ, तो आए आप कॉल पे आए, आप बात करते हैं कॉल पे, लाइव बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं। अब मैं तो 5 लोगों को टाइम दिया था और वो बेचारे काफ़ी दिन से एक्साइटेड थे कि जी बात करनी है, और आज बेचारे आ ही नहीं। फिर टाइम भी ज़ाहिर है थोड़ा होता है, तो वेट तो मैं कर रहा हूँ उनका, जो मैंने टाइम स्केड्यूल सोचा था वो तो मैं वेट करूँगा उनका। माशाल्लाह
बेसिकली आप केपी कैसे हैं? जबरदस्त। तो कतर में क्या करते हैं आप? ये एक्सेप्ट हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई, कैसा है? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का फजल करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी वीडियो जो है ना बहुत देखता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल सब कुछ लाइक किया हुआ है, और जो आपने जब से बोला ना आपकी जो यही आपके साथ जो एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन का, यही मेरे भी साथ 8-9 साल से हो रहा था। मुझे पता नहीं था इस बीमारी का। मैं साइकाट्रिस्ट और जितना ये सारा जो दिमागी डॉक्टर थे, जो प्रोफेसर थे, उनके पास इस्लामाबाद एबटाबाद सारा घूमा फिर रहा हूँ, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये एंजाइटी होती है, ये पैनिक अटैक होता है, या ये डिसऑर्डर है, ये कोई ये सब बात कुछ भी नहीं। बस दवाई देता था मैं, बस वो कर रहा था। लेकिन जब से आपकी वीडियो देखी तब से मुझे पता चला कि बीमारी ये है, इसका ये नाम है, ये मसला है इस वजह से। तो बस उसके बाद आपको मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपना हीरो मानता हूँ आपको, कामरान शरीफ भाई। थैंक यू। और आप सुनाए खैरियत? आपको टिकटॉक पे लायो देख के बहुत बहुत खुशी हुई। आपको टिकटॉक पे लायो देख के बहुत खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा मोहम्मद खान भाई, टिकटॉक पे लाइव करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि देखिए लोग करते हैं मैसेज। बिल्कुल सर, मैसेज में पूरी बात हो ही नहीं सकती। तो अभी आप लाइव हैं और आप मेरे से अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मैं उससे जो आपसे सवाल करना चाहूँगा वो सवाल उससे रिलेटेड कर सकता हूँ। मैं अपनी अकल के, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको कोई चीज़ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल सर, उससे आपकी मैक्सिमम हेल्प हो। और उससे रिलेटेड अगर किसी और का मसला होगा तो उसकी तो मैसेज में आधी और अधूरी बात होती है। तो मोहम्मद खान भाई अभी जो है वो क्या चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में? असल में सर अभी तो मतलब ये थोड़ा सा खाली कभी कभी फेयर ये डेथ फेयर होती है, जो फेयर डेथ होती है ना, वो खाली सिर्फ वो मसला है। बाकी जो बेचैनी थोड़ी थोड़ी होती है कभी कभी, लेकिन दवाई फिर भी खाता हूँ थोड़ी सी कब कब, मतलब मसला की वजह से खाता हूँ। तो आपका जो रूटीन के बताए हुए जो सिस्टम में नमाज, तो माशाल्लाह मैं पहले से भी पढ़ता था, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने ऐसा तरबियत दी है कि नमाज के लिए लाजिम उठना पड़ता है। जबरदस्त। अच्छा जी जी, और मोहम्मद खान भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली मोहम्मद खान भाई दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये है बेसिकली टिकटॉक लाइव का सबसे फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदा। एक और गेस्ट आए हमारे साथ, देखते हैं जी। मोहम्मद खान भाई दोबारा आ गए हैं। अस्सलाम जी कामरान भाई, अभी आवाज़ आ रही है जी? सिर्फ डेथ हो गया। जी जी आप ठीक है?
अच्छा जी, ओ तो इस वजह से फिर आपका जो वीडियो वगैरह सब कुछ देखा ना, और आपने अपना ज़िंदगी का ये सब कुछ बताया कि मेरे साथ यही हुआ, ये सब कुछ, डॉक्टर के पास गया, सब कुछ अपना स्टोरी बता दी ना, उसके बाद मुझे भी बस रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो कमरान भाई ने किया है ना, तो मैं भी करूँगा इंशाल्लाह, और ये हो सकता है मैं करूँगा। तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी दौरान में जो एनजाइटी और ये पैनिक अटैक के दौरान में कतर आया, क्योंकि घर की हालात ऐसी थी कि मतलब पाकिस्तान में काम को मतलब कोई ऐसा नहीं था ना, तो इस वजह से मैं उसी बीमारी के हालात में मैं बोला मारे ये अभी जाना है, घर की हालात देख के तुमको जाना है भाई, अभी तुमको वीज़ा मिला है तुम चले जाओ। मैं आया इधर कतर में, मुझे पैनिक अटैक आता था मस्जिद में, एक परदेश है, एक वो है कि मतलब दूसरी कंट्री है, जबान भी चेंज है, लोग भी मुख्तलिफ है, तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल हो गए मेरे को, तो इधर अभी ठीक है, मैं अभी माशाल्लाह ड्यूटी पे भी जाता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ, लेकिन दवाई खाता हूँ ये कभी कभी, क्योंकि दवाई के बगैर वो फिर से मैं सोचता हूँ कहीं पैनिक अटैक ना आ जाए, या कोई और ऐसा मतलब सोच सोच नहीं निकलती। बस कमरान भाई ये मसला है कि अभी सोच नहीं निकलती, ये सोच थोड़ा डिस्टर्ब करता है कभी कभी। काम में मसरूफ हो तो मसला नहीं होता, लेकिन काम में मसरूफ ना हो तो बस सोच होती है, बस यही मसला है। लेकिन आपकी हर वीडियो देखता हूँ, उसी से बस मैं इस टाइम मैं से समझता हूँ जैसे मैं ठीक हो गया बिल्कुल, मुझे मेरा वो सोच भी ख़त्म हो गया एक ही वीडियो से। जैसे आपकी न्यू वीडियो आती है ना, पहले मुझे मिलती है, मैं डायरेक्ट देख के उसी वीडियो से मैं देखता हूँ, बस मैं ठीक हो गया भाई। लेकिन वो वीडियो का जो थोड़ा असर ख़त्म हो जाता है बाद में, फिर थोड़ा सी सोच चेंज हो जाती है, तो इस वजह से। और मेरे ख्वाहिश है मैं आपसे मिलने के लिए इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान आऊँगा मैं आपसे मिलूँगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद, आपकी सोचों को खत्म करना चाहिए, जी सर। अगर आप सोचों को क्यों खत्म करना चाहते? असल में मैं बस में हूँ, पता नहीं आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, मैंने स्प्री दोनों लगाई लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सोचों को क्यों खत्म करना चाहते? सोचो को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन वो फेयर ऑफ डेथ का सोच होता है ना, तो उस वजह से मुझे मसला होता है ज़्यादा। सोच का आपकी बात सही है, लेकिन फेयर ऑफ डेथ है ना, उस वजह से वो वही वो जो तंग करता है बस, किसी का मौत सुन आपकी एज के। कितनी है? मेरी एज आपकी सेम सेम ही है, ये 30-33 साल में, 30-30-30 की। अच्छा, और मैरिड है आपके? सिंगल है? नहीं अनमेरिड है ना आप तो कहते हैं सारी बातें फॉलो करता हूँ, शादी क्यों नहीं की अभी? जी क्या आपकी शादी क्यों नहीं की अभी? शादी? शादी के वक्त मतलब हमारे इधर जो शादी होती है वो यही हमारे ख़ानदान में 27-28 से लेके फिर 30 तक होती है, तो 27-28 के दौरान में कतर आ गया, तो 28 के दौरान में कतर आ गया, तो शादी अभी तो कतर में रह रहा हूँ, तो जब जाऊँगा इंशाल्लाह देखेगा। घर की हालात ऐसी है ना कि इस वजह से बस शादी अच्छा नहीं मैं थी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जी, मैं बताता हूँ, इसने आपके घर में आना ना, इस बेचारी ने अपना नसीब साथ लेकर आना, आप जितना मर्जी सोच ले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिल्ली में मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही सोचते रहे, और उन्होंने उम्रें गुजार दी कि कल को हालात अच्छे होंगे मैं शादी करूँगा, कल को हालात अच्छे होंगे मैं शादी करूँगा। जी। और आपने भी बड़े ऐसे लोग देखे हो, और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर में एक खाने का नहीं था, उन्होंने शादी की और उनके घर में अल्लाह तला को एक पेड़ कर दी, पैसे असल पैसे हर तरफ पैसे। तो आप मेरे भाई फौरन से मेरी शादी करें, और देखिए आपने का बोझ आपने नहीं उठाना, ये अल्लाह ने ही करना है। जब आपकी शादी नहीं होती ना, तो आप बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज में सुफर कर रहे हो, सही बात, ठीक है, ये बड़ी कॉमन बात है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। पहली चीज,
दूसरी चीज ये है कि आप जो बाहर रह के डाइट खा रहे हो, मुझे उस डाइट के वाले से गाइड कीजिएगा कि आप क्या क्या खाना पी रहे हैं आपका, मुझे उस वाले से। वो डाइट में ये है कि सुबह तो आपने बोला है ना कि सुबह आपने एक दही के साथ खाना खाना है, मतलब चाय नहीं पीनी है, दही खाने। तो मैं सुबह से मतलब सुबह जब भी खाता हूँ तो दही लेता हूँ। तो इधर तो रोटी मिलती नहीं है, रोटी मुश्किल है। हमारा जो जिधर हमारा अकोमोडेशन है उधर रोटी नहीं मिलती पाकिस्तानी। तो ये कतरी जो अरब का ये ब्रेड होती है खबूस उसे बोलते हैं, वही मिलती है। अच्छा, तो वो खबूस वो मेरे ख्याल में चावल से बनी है या आटा है पता नहीं, इसका कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसको हम खाते हैं। तो उसको ले के मैं सुबह सा जी वो आप एक खाते हैं कि दो खाते हैं? क्या अंडा नहीं, वो जो खबूस है, खबूस वो तो एक पैकेट में तकरीबन 10 होते हैं, 10 होते हैं छोटे छोटे। ये आपको कैसे बताऊं, छोटे छोटे होते नान साइज के, नान से तकरीबन आधा साइज होता है, नान की आधा साइज होती है। और ऐसा होता है बिल्कुल नरम मुलायम होती है, बिल्कुल नरम मुलायम होती है। तो वो एक लेता नहीं, वो फीका होता है, मीठा नहीं होता है, फीका होता है। हाँ फीका होता है, फीका होता है। और एक पैकेट में 10 होते हैं, तो वो साथ लेके बस तकरीबन 3-4 खाता हूँ। वो अब साइड पे लेके जाके ऑफिस में बस नाश्ते के टाइम, सुबह सवेरे हम निकलते हैं ना 3 बजे, 3:30 बजे नमाज पढ़ के फिर 4, 4:30 बजे 5 बजे तक हम निकल जाते हैं। तो 5 बजे निकल जाके साइड पे जाके उधर ऑफिस में बस बैठ के फिर नाश्ता वगैरह करते हैं 6 बजे तक पहुँच जाते हैं। 6 बजे बस फिर नाश्ता कर लेते, तो नाश्ते में 6 बजे का वही खबूस और सेम यही दही का लेते हैं बस। तो वो एक ये होता है कि अंडा तो ऐसा खाता हूँ कि जब रूम पे आता हूँ तो अभी तो गर्मी का मौसम है तो नहीं खाता, चिकन ज़्यादा खाता हूँ। और चावल खाता था लेकिन चावल ने अभी बड़ा मुश्किल बना दिया, अभी पेट में दर्द होता है चावल की वजह से, तो चावल छोड़ दी। तो चावल छोड़ दिए। अभी अभी जो इधर हमारे रूम पे मतलब हमारे का बंदे वो चावल बनाते थे, तो उसमें ये क्या कहते हैं मिर्ची ज़्यादा होती थी, बिरयानी बनाते थे तो अपना पुलाव नहीं बनाते, बिरयानी बहुत बनाते, तो इस वजह से वो मेरे पेट में दर्द होता था तो चावल को छोड़ दिया। चावल भी नहीं खाता अभी, बस पराठा भी कभी कभी खाता हूँ लेकिन चाय भी बस छोड़ दिया है, और पेप्सी वगैरह। आपकी सारे बातों पे अमल करता हूँ। और सारे मुझसे जो भी दोस्त है मेरे से झगड़ा करते हैं, मुझे बोलता है तुम जवान बंदे हो, ये क्या करते हो, पेप्सी नहीं पीते, पेप्सी का तुमने इनकार किया है, चावल ये तुमको किसने बोला, ये कौन तुमको बोलता है तुम ऐसे करते हो। मैं बोला भाई ये मसला मेरा यही है, मुझे पता है मैं कितना, मैं 8-9 साल से मैं इसमें फंसा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था, दवाइयाँ खाता रहा, इतना सारा दवाई खाता था, अभी एक किस्म की गोली खाता हूँ बस, वो भी तकरीबन 4वां हिस्सा खाता हूँ उस दवाई का, 4वां हिस्सा काट के खाता हूँ ताकि ज़्यादा ना हो। तो सारे आपकी जो बरकत है, आपकी बातें होती है, बस वो बातें आपकी दिमाग में रख के आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। जबरदस्त, अल्लाह का और आपका। थोड़ा सा एक ना जी मोहम्मद अली भाई, मैं थोड़ा सा आपको ना चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए स्पेशली जी बताइए। पहली चीज़ तो ये कि अंडे का ताल्लुक गर्मी या सर्दी से नहीं है। मैं माशाल्लाह रोज़ाना के 6-8-10 अंडे भी खा लेता हूँ, 2 अंडों की सिर्फ जर्दी खाता हूँ और बाकी 4-6-10 एग वाइट खाता हूँ। अंडों का ताल्लुक गर्मी सर्दी से नहीं है, ये हमारी सिर्फ सोच है कि हमने उसको सोच लिया हुआ, ठीक है, सही है जी। वरना आप देखें जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो एक दिन में 50-40-40-30 अंडे भी खाते हैं। आपको स्टार्टिंग में जो होता है ना पहला जो हिस्सा है वो आपने क्या कर रहे हैं, उसके पहले आप 2 अंडे नहीं बोल, ठीक है, ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रास्ता है। 2 बॉयल्ड अंडे लें, उनको पहले थोड़ा सा पहले दही खा लें, दही की प्याली ले लें, पहले थोड़ा दही खा लें, फिर 2 बॉयल्ड अंडे खा लें, और फिर जो दही बच जाते हैं उसके साथ जो आप वो खबूस खा रहे हैं वो खबूस खा रहे हैं। उसके बाद आप 7-10 बादाम भी खा सकते हैं, और थोड़े से इतने से जो पम्पकिन सीड कद्दू के बीज, ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए मैं कहता हूँ बेस्ट चीज़ है।
उसके तकरीबन आप जो ना वो दोपहर का जो खाना खाएंगे आप उसमें कितनी प्लेट सलाद की होनी चाहिए, कितनी प्लेट, ठीक है, आपकी सैलड की होनी चाहिए, उसमें आप खीरा रखें, प्याज रखें, टमाटर रखें, सलाद पत्ता रखें, गोभी रखें, और ये सारी चीज़ों की आप कर लें। अगर आप काम पे होते हो तो आप घर में काट के ना, घर में काट के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के और लीमू डाल के, और आपने अगर नमक डालना है तो आपने पिंक सॉल्ट डालना है, वो डाल के आप ले जाएं अपने ऑफिस। ये आप जो भी दोपहर का खाना खाएं सबसे पहले आपने ये खाना है, और बाद में आपने खाना खाना है, और खाने में कोशिश ही करें कि ऑयल कम हो, मिर्ची कम हो, ये आप खाना खाएं। फिर रात के खाने में आप दोपहर के खाने में कोशिश करें कि गोश्त हो और या मछली हो, या जो है आपके उधर तो ज़्यादा गोश्त अवेलेबल होता है, जो भी चीज़ हो, लेकिन चिकन मटन या बीफ हो, इस तरह की चीज़ हो। रात के टाइम आप सब्जी या दाल खाएं एक रोटी के साथ, और अगर आपको रोटी अवेलेबल नहीं है तो आप रोटी खुद बनाएं, बड़ी आसान है रोटी बनाना। हाँ, लेकिन वो हम इधर से अभी जा रहे हैं ना, अभी मैं बस में हूँ, लेकिन आपका जो जैसा वीडियो देखा टिकटॉक अकाउंट, तो बस डायरेक्ट मैं आपको सीधा व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, और टिकटॉक जो है ना वो आपका लाइव आया, तो बस डायरेक्ट आने के मैं बोला अभी जब जाता हूँ तो लाइव ख़त्म हो जाएगा, तो मैं देखता हूँ कमरान शरीफ साहब को थोड़ा सही बात भी कर लेते हैं कमेंट्स में, तो अच्छा हुआ कॉल पर भी बात हो गई। तो अभी जब मैं जाता हूँ ना तो उसके बाद फिर खाना जो है ना मेरा वो दोस्त बना लेते हैं, तो आटा वगैरह गूंदना उसमें बहुत टाइम लगता है ना, तो उसमें से इस वजह से आटा बनाना मुश्किल है थोड़ा, तो वही खबूज खाते हैं, लेकिन देखते हैं कभी कभी मैं ले कहते हैं। पता क्या करें, आप एक छोटा सा काम कर लें, अगर आपको ज़्यादा मतलब होती है ना परेशानी, ठीक है, आप ऐसे करें कि आप आटा गूंद के ना, फ्रिज तो होगा आपके पास, ठीक है, आप उसको 2-4-5 दिन के लिए रख लें, आटा इतना सा भी आटा गूंद ले रोजाना, कि एक रोटी भी बनाए, दो रोटी भी बनाए, तो आपका 5 दिन तो कहीं ज़ाया नहीं होना। और एक और चीज़ है, आटा जितना पुराना होता जाएगा वो उतना फ़ायदेमंद ज़्यादा होता जाएगा, जितना वो फर्मेंटेड जो होता है ना हो जाएगा, जितना उसमें फर्मेंटेशन यानी कि फंगस पैदा हो जाएगा वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब अगर आप रोटी भी खाते हैं ना, ताज़ा रोटी भी खानी चाहिए, थोड़ा उसको टाइम दे के खाएंगे ना 4-5-6 घंटे बाद, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा था। तो जब आप उसको रखेंगे 2-4 दिन के लिए, क्योंकि देखें आप जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन में मैक्सिमम जितनी एहतियात कर सकते हैं आप कुछ अर्से के लिए कर लें, फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत ही कमी पेशी कर जाते हैं, तो ये अभी के लिए जो है ना ये आपको। बाकी देखें आप टाइमिंग है जॉब की, वो कितने बजे से कितने बजे जी, आपकी जॉब टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक? मेरे जॉब की टाइम जो है ना सर स्टार्ट होती है ये, मतलब मैं तो उठता 3:30 उठता हूँ, लेकिन मेरा जॉब का टाइम स्टार्ट होती है 6 बजे से, 6 से 6 बजे तक, मतलब 12 घंटे। उसमें मुझे अभी तो धूप है ना, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसमें से मतलब 10 बजे से 3 बजे तक रेस्ट होता है, 10 से लेकर 3 बजे तक रेस्ट होता है, तो फिर 3 बजे से 6 बजे तक काम होता है, 6 बजे फिर छुट्टी होती है। मतलब आपको 5 घंटे रेस्ट होता है? हाँ, ये 3 से तकरीबन 10 से कभी कभी 11-12 तक हो जाती है, 12 से फिर रेस्ट हो जाता है 12, तो एक ये तकरीबन 3 घंटे तक कभी कभी रेस्ट हो जाती है, कभी कभी 3 घंटे तक रेस्ट हो जाती है। अच्छा, आपका जो काम है वो बेसिकली है क्या? मेरा काम है ये स्ट्रक्चर सर्वेयर, जो रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जो वो आपने देखा ना, आप कैमरा जो रोड पर लगाया हुआ होता है, उसके साथ दो बंदे होते हैं, वो और राड पकड़ते हैं, उसमें देखते हैं, वही बेसिकली इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग, लेकिन हम सर्वेयर में। अच्छा, और काम भी ऐसा है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, क्रिटिकल है, मतलब आप काम करते हो ना तो उसमें से मिली में मतलब देखते हो, मतलब आप उस काम को ड्राइंग को समझना और काम को बिल्कुल 0-0 रखना, तो उसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा चढ़ती है मेरे को, फिर जब काम थोड़ी सी भी ऐसे मतलब समझ आती है, लेकिन फिर भी जो डाउट होता है, काम कर लेता हूँ, ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ, फिर भी डाउट होता है, यार ये काम क्या, इसमें तो ये फ़र्क तो नहीं आया ना, ऐसा कभी कभी ऐसे सोच होती है मेरी, बस ये सोच नहीं निकलती है, डाउट होती है, काम बिल्कुल परफेक्ट होता है, 0 होता है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट होता है इसमें से। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 5 घंटे आपके पास होते हैं,
जी इन 5 घंटों में आप क्या करते हैं? वो मैं बस सो जाता हूँ, खाना खा के दोपहर का खाना खा के दोपहर तक, मतलब 11 बजे तक, 12 बजे तक वेट करता हूँ। उसके बाद खाना खा के बस मस्जिद में जा के नमाज़ पढ़ लेता हूँ और फिर वापस आके ऑफिस में बस थोड़ा सर लगा के सो जाता हूँ। आपने ना, आपसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपने लेना बैग होता ना तो पीछे पहनते बैग पैक, जी, बैग मेरे पास ही है। आपने उस बैग में क्या, ठीक है, आपने घर से क्या करना है, थोड़े से फ्रूट्स लेके जाने हैं, थोड़े से वेजिटेबल्स लेके जानी है, ठीक है, ठीक है जी, जो आपने दोपहर के खाने के साथ खानी है, पहली चीज ये। दूसरी ठीक है जी, चीज ये कि उसके बाद आपने वॉक कर लिया, लेटना नहीं है आपने, पहले आप अच्छा वॉक कर लें, थोड़ी सी ठीक, वॉक कर ले, फिर आधा घंटा या घंटा पावर नैप ले लें, मतलब फिर आप लेट जाए, लेकिन ठीक एकदम खाना खा के नहीं लेटे हैं। ठीक है जी, अब जो बात है ना, असल में आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक फियर है कि कुछ हो जाएगा, कि मुझे वो कोई नेगेटिव रिमार्क पास करेंगे या मुझे कहेंगे कि जी आपका काम अच्छा नहीं है, ठीक है, या आप इस तरह। देखो ब्रदर, जब आप अपने काम को 100% करते हो ना, तो कोई इंसान अगर उसमें गलतियां निकालता है या कुछ भी ऐसा करता है तो वो आपके कंट्रोल में है, जी जो सिर्फ आपका काम है, आपने अपने काम को 110% ईमानदारी से कहा, बस ये चीज आपने बिल्कुल करनी है। बिल्कुल तो सर, कोई भी और ख्याल आए तो आपने यही चीज कहनी है कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है और कुछ नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है बस, दैट्स इट, और अपने आप को रिलैक्स कर देना है। ख्याल आए कि वो निकाल देंगे काम से, टू वरी, निकाल देंगे निकाल देंगे, आपने डरना नहीं किसी चीज से। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम बेचारे डरते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, हमें डर बेसिकली अपनी जिम्मेदारियों का, कि यार अगर मैं यहाँ से खुदा ना खास्ता निकल गया, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, जवान बहने हैं, छोटे बहन भाई हैं, उन सब के अखराजात हैं, घर का खर्चा चल रहा है, अगर मुझे यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया या मेरी किसी वजह से मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो वो मैं कैसे मैनेज करूँगा। आप अपने आप को जो है ना वो बालातर कर दें, आप मैनेज नहीं कर रहे, मैं मैनेज नहीं कर रहा, हमसे अल्लाह करवा, जब तक अल्लाह चाहेगा हम जहाँ हैं वहीं हैं, तो जब सही है, अल्लाह चाहेगा ना आप कुछ भी कर लें, आपको पता भी नहीं, इवन चलना चलना नहीं यहाँ से। मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, मैं एक जगह पे ना काम करता था, तो मुझे बड़ी ज़रूरत थी काम करने की, तो कुछ ऐसा था कि मैं बड़ा डर डर के जॉब पे जाता था, हर टाइम हमेशा जल्दी चला जाता, काम ख़त्म होना, फिर मैंने 10 पर चेक करके एक चीज़ थी कि यार अगर मुझे इन्होंने निकाल दिया ना तो घर में बीवी बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बहुत फियर में था। मैं जब कॉल सेंटर में था तो मैं एक जगह पे काम करता था, टैक्सी के अंडर काम करता था, मैं हर काम को दर्जनों बार चेक करता था, मतलब कर भी लिया है फिर भी करने के लिए बार 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 मैंने चेक करना है। लिटरली आई रियलाइज कि यार ये चीज़ तो मुझे ज़ाया कर, मेरी क्रिएटिविटी को खा रही, और मैंने ऐसे जैसे फर्ज करो आप, मैंने ये असाइनमेंट बना ली है ना, मैं बार बार पढ़ता रहता, बार बार पढ़ता रहता, यार कहीं इसमें कोई गलती ना आ जाए, कहीं इसमें कोई गलती ना आ जाए, तो वो मैं एक बहुत ज़्यादा ना अपने आप को एंगजाइटी दे रहा था, बट एंड ऑफ द डे आई रियलाइज यार रिस्क तो अल्लाह है, राजीव तो अल्लाह है, आपका यहाँ जितना लिखा है वो आपने लेकर जाना है, लेकर लें और बगड़े डाल कर लें या जो मर्जी कर कर लें, आपने यहाँ हम लोग हमारी सबसे बुरी एक चीज होती है लाइफ में घूमना, चीज होती है कि हम बड़ा खामोश रहते हैं, और बुरी चीज़ हमारे लिए यही है कि ये हमारे भी बार दफ़ा हमें आगे जाने से रोक देती है, हम आगे नहीं जा रहे, जब तक आप आगे नहीं आएंगे आप देख लीजिएगा कि आपके अंदर जो रोड़ा होगा ना वो कुछ बार होगी यही होगा, यकीन ही नहीं होगा, यकीन रखिए मेरे कहने के, आपसे आपने काम जैसा 100% ईमानदारी से किया, काम आपने जैसा भी किया ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल से उसको अगले बंदे को पेश कर रहा हूँ, तो आप किससे ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस्ड हो, क्या बन रहा है, लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, सही, मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ किसी के तो मैं सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस देखता हूँ, यार इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप के बारे में, कितनी उसे शोर की है, तो जो कह रहा है वो डिलीवर कर सकेगा, सही आप है। किसी बंदे से मिले इतने कॉन्फिडेंस हो गए और यार कोई टेंशन ही नहीं, नहीं। तो यार आप देखें ये जो टिकटॉक लाइव है
अनपढ़ और मिडिल क्लास लोग जिनको ठीक से बात करनी नहीं आती, लिटरली मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन गलत चीज़ है कि वो बेहयाई से आकर भी पैसा कमा रहे हैं। तो लोग यहाँ अच्छी बात करके भी पैसा कमा सकते हैं। सही बात है जी, बिल्कुल। आप ना आप नौकरी में है जी, आप जब आप ये टिकटॉक पे आए ना, ये सही है, ये लोगों के लिए बहुत बेहतरी है सर, ये बिल्कुल। आप जो भी आपसे मतलब बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, आप जिसको भी मतलब मोटिवेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो मतलब पेड नहीं कर सकते आपका, तो आपके साथ टिकटॉक में आके तो इसमें आपके साथ आपकी भी मतलब हेल्प हो सकती है और उनका भी बड़ा हेल्प हो, उनका तो इतना हेल्प है कि उसकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप उनकी जिंदगी बदलने का मौका है। लोग जो है ना बहुत ज्यादा गिफ्टिंग्स भी करते हैं, ठीक है, अभी तो बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ज्वाइन होते जाएंगे, इंशाल्लाह गिफ्टिंग्स भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत से लोग जो गिफ्ट कर रहे हैं वो जो नहीं कर पा रहे उनकी मदद की और हमारे भी एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे। सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी के घिर जो है ना। एक चीज आपने बात कही फियर ऑफ डेथ के बारे में, आप जरा देखो तो आप अपने फियर में जी रहे हो, एक तो फियर है कि कुछ, एक फियर ऑफ रिजेक्शन है, मैं जितना भी परफेक्ट कर लूं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, और एक फियर ऑफ डेथ है, और एक वैसे ही डर है। तो आप डरों में हो, आपने इन डरों को खुद बनाया। आपकी लाइफ तभी फ्रीडम जब आप यहां से अपने आप को फ्रीडम में डालो। रिलैक्स, सही बात। देखो मौत के डर का सलूशन, पैनिक अटैक्स में बात की बात करता हूँ, पहले मैं आपको संदर्भ देता हूँ। मौत के डर के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, एक बात, आप इतने इबादत गुजार हो जाओ और हर दिन को आखिरी दिन समझ के, सही बात। कोई टेंशन कोई परेशानी आए अपनी, देखो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। आप मैं या दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने उन लोगों को जिंदगी के बहुत सोचते जिंदगी के माइकल जैक्सन जी, उसने कहा मैं 200 साल जीऊंगा, मैं इतने साल जीऊंगा, चला गया, तब भी खत्म हो। ठीक है सर। फातिमा बिन ईमान सबसे हमें अपने ईमान से कि हम मुसलमान हैं, हम जब अल्लाह के हजूर जाएं हमारी जो शिफात होनी है आप जो है वो उनके रेफरेंस से, एटलीस्ट हम कह तो सकें कि हम जो है अच्छी उम्मत थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह को कसरत से याद करते थे, सदका खैरात करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी का हक नहीं खाते थे, बेईमानी नहीं करते थे, किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, किसी का इवन बुरा नहीं सोचते थे। अल्लाह हमें ये सारे अमाल भी हमारे देखेगा और हमें जन्नत नसीब फरमाएगा। आपको दुनिया में, इस दुनिया में एक बात है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, हमें उस पावर का सोचना चाहिए जो हमारे बाद है। इवन जब आपका ईमान परमानेंट हो जाता है ना, पक्का हो जाता है, अंदर से मजबूत हो जाता है, वो खुद बंदे को कहता है यार इधर ज्यादा देर नहीं है, दिल नहीं, बस आपको पता हो आप किसी के घर में मान जाए और आपको जो सुकून अपने घर में मिलता है आप ज़्यादा देर उधर रहने की कोशिश नहीं करते। तो फियर ऑफ डेथ का बेहतरीन इलाज, दुनिया टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाना है, अपने चले जाना है, हमने भी चले जाना है, साथ क्या लेके जाना है, इमाल। फिक्र किस चीज़ की है, इमाल की, हमें इमाल जितने ज़्यादा अच्छे हो सके उन अपने अमाल को करना है, जिंदगी को बदलना है, और ज़िंदगी तभी बदलेगी जब हम नेक अमाल करें, हमारा डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, हमारी एंजाइटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। पैनिक अटैक्स, देखो आपको अंडरस्टैंड करना है कि पैनिक अटैक्स दो सिचुएशन होते हैं, एक तो है इन सिचुएशन यानी कि जैसे भी आप पैनिक अटैक हो, ठीक है, और एक है आप घर पर हो, ठीक है, जब आप अपने रूम पर हो, जब आप अपने रूम पर हो कुछ चीजें तब आपने करनी है, और जब आप उस जगह पे हो तब आपने करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस जगह पे अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करो कि मैं नॉर्मल हूँ, और ये जो पैनिक अटैक हो रहा है ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है कि 5-10 मिनट 20 मिनट अभी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी, ये सबकॉन्शियस आपने चलाते रहना है, कॉन्शियसली बार बार अपने आप को कहते रहना है, आपकी सांस नॉर्मल हो, आपकी जो है वो अवेयरनेस हो, आप यानी कि आपको पता होगा ये सब नॉर्मल है, खड़े हो ना, स्ट्रेट खड़े हो जाओ,
जितना आप स्ट्रेट खड़े हो गए दीवार के साथ लग के थोड़ी देर खड़े हो जाओ, आपकी बॉडी जो है ना, आपकी फिजियोलॉजी जब चेंज होगी, ये पैनिक अटैक खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। उसके बाद पानी का इस्तेमाल करो, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हो, आप अल्लाह को याद कर सकते हो, आप आंखें बंद करके ज़िंदगी का कोई अच्छा इवेंट याद कर सकते हो, और आप उस टाइम पे अपने आप को रियलाइज़ करा सकते हो कि मैं सेव हूँ, मैं कोई इस कंडीशन में नहीं हूँ कि खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है। ठीक है, आपने खुद को जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल करना, काम करना, खुद को रिलैक्स करना। अब है आउट ऑफ सिचुएशन कि जब आप इन रेस्ट हो, ठीक है, मतलब आप उस पैनिक अटैक से निकल के बाहर आ गए, आपने नोटिस करना कि कौन सी चीज़, कौन सी सिचुएशन मुझे पैनिक अटैक्स देती है। आपने उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग मीठा खाते हैं, कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। इवन चाय के बाद अक्सर लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। फास्ट फूड के पास तो हो सकता है, क्योंकि ये जो आपका गट ब्रेन होता है ना, ये जो सभी ब्रेन होता है, यानी कि आपका मैदा होता है, अगर ये ठीक हो तो आपकी बहुत सी ठीक रहती है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, नमाज कुरान होना चाहिए, वॉक होनी चाहिए, जिम होनी चाहिए, और इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए आपको, और सदका खैरात करना चाहिए, और दीन के साथ जुड़ना चाहिए, और विजुलाइजेशन करनी चाहिए। जिस इवेंट में जाके आपको वो जो है वो पैनिक अटैक्स आते हैं, क्या आप उस इवेंट में जाके, जैसे फ़र्ज करें मैं आपको समझाता हूँ, फ़र्ज करें आपको लोगों में जाके पैनिक अटैक आ गया, आप लोगों में गए हैं और आपको पैनिक अटैक आया, दो चार लोग थे और आपको पैनिक अटैक आया, आपने आंखें बंद करके सोचना कि आप उन्हीं दो चार लोगों में हैं, और आप आंखें बंद करके वहां जाके देख रहे हैं कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप बड़े रिलैक्स हैं। वो बार बार जो ब्रेन नए पैटर्न बनाएगा कि मैं फिर जाऊंगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर दिमाग उनको बनाना बंद कर देगा, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसे पता नहीं है कि रियल क्या है और जो है वो इमेजिनरी क्या है, तो वो लॉजिकली माइंड नहीं है, लॉजिकली तो हम है ना, तो हम जब उसको बता देते ना कि यार वो जो सिचुएशन थी वो बहुत बड़ी थी और बुरी थी, मुझसे हैंडल नहीं हुई, तो दिमाग उसको सच मान लेता है। लेकिन जब हम दिमाग को बताते हैं कि यार वो सिचुएशन बड़ी छोटी थी, मैंने तो यूँ हल कर ली थी, तो वो फिर क्या होता है कि वो आपके उस तरह के पैटर्न्स बनाते हैं कि जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो वो सिचुएशन बड़ी कंट्रोल्ड रहती है, उस सिचुएशन बड़ी रिलैक्स्ड रहती है। तो आपने ही अपने आप को बताना, आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है, और किसी भी डर को, किसी भी फियर को अगर आप एक्सेप्ट करते रहेंगे, जी मैं नहीं कर सकता, जी मैं कैसे कर सकता हूँ, जी मुझसे नहीं होगा, ये वो, ये सिर्फ आपकी, मतलब एक चीज़ से पीछे भागते रहेंगे वो आपको भगाती है और वो ताकतवर होती रहेगी। समझ गया, आपने खुद खुद को ताकतवर करना है और आपने उस फियर को डील करना है, कि आपने उस फियर को कहना है कि भाई तू कुछ नहीं, मेरे आगे कुछ नहीं, मुझे पैनिक अटैक्स भी हो ना, मुझे अभी भी कभी कभी एंजाइटी का अटैक हो जाता है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम इंसान है। मैंने कब कहा है कि मैं अपने अंदर से एंजाइटी काट दूंगा या मैं एंजाइटी ख़त्म कर दूंगा, मैं एंजाइटी मार दूंगा, नहीं मार सकते, हम इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब इमोशंस से मिलकर बने हुए, अगर हमारे अंदर से इमोशंस ही ख़त्म कर देंगे आप, तो हमें और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाए। हमें भी दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, किसी का दर्द महसूस होता है, किसी की जो है वो बात बुरी लगती है, किसी की बात अच्छी लगती है, तो अब अगर आप ये चीज़ें रखेंगे माइंड में, ये साथ रखेंगे, तो आप इंसान हैं, तो इंसान को दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, ठंड भी लगेगी, जो है वो गर्मी भी लगेगी, उसको सारी चीज़ें फील होंगी, आप उसकी फीलिंग्स को नहीं ख़त्म कर सकते। हाँ, ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और आप कहते हैं जी नहीं नहीं हो सकता, तो वो चीज़ जो है ना वो गलत है जी। असल में ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये मुझ में जो आया ना सर, ये मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरे मैदे में दर्द था, तो मैं डॉक्टर के पास गया था, उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, ये 8-9 साल के पहली बात है। तो डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे ड्रिप चढ़ाने की वो लिख दी पर्ची, वो कंप्यूटर को बोला कि इसको ड्रिप लगा, इसका मतलब मैदे का मसला है, पता नहीं कोई ज़ख्म है क्या बोल रहा था। तो वो जो मुझे ड्रिप लगाया ना, तो पता नहीं वो ड्रिप थोड़ा तेज़ था, कोई मसला थी, पता नहीं क्या वजह थी। तो उसी में से वही उसी टाइम मेरे जो है ना वो ड्रिप जब जैसा चढ़ गया ना, तो आधे तक चला गया था, तो मेरा आंख बंद होने लगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि बस मैं बस अभी मरने वाला हूँ, और हाथ पांव सुन्न हो गए मुकम्मल, ऐसे खामोशी सा हो, मेरे कान बिल्कुल ऐसे मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मैं सोच रहा था आँख भी बंद होने, मैंने डायरेक्ट वो ड्रिप खुद से निकाली और चीख मारी, ऐसे डायरेक्ट वो डॉक्टर भी आया, वो कंप्यूटर वो सारे आए, बोले क्या वो कुछ उसने मुझे जो है ना वो
मालूज में कुछ लगा के मेरे को सूंघने की कोशिश की, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा मतलब आँख खुली, थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन हो गया कि मैं मतलब रिलैक्स हो गया पता चला, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज़ रहती थी। उसी बाद मैं जब उधर से अस्पताल से निकल आया, घर आया, सो गया, उसके बाद उठा, वही उसके बाद मुझे वही फियर ऑफ डेथ जो है ना वो हो गया। फिर उसके बाद मैं कभी बाहर भी नहीं निकल सकता, घर से भी नहीं निकल सकता था, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकता था, बहुत मुश्किल बनाई थी मुझे मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे रहता है कि बिल्कुल तकलीफ था, मुकम्मल मतलब गोलियां खाता था। फिर उसके बाद डॉक्टर डॉक्टरों के फिर डॉक्टर डॉक्टर फिर डॉक्टर जाता था, कभी किधर, कभी इस्लामाबाद, कभी पेशावर, कभी अब्दाबाद, ये सारे गोलियां खाता 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 बस इस तरह ज़िंदगी गुजरती रही। लेकिन उसके बाद उसी टाइम मैं फियर ऑफ डेथ के टाइम भी मैं गोली खाता हो रहा, मतलब उसके बाद मैं इधर कतर आया। मजदूरी भी ऐसी थी कि बस पाकिस्तान के हालात तो आपको पता है सर, तो इस वजह से बाहर निकल आया। तो उसी टाइम जब मैं आया तो तकरीबन 2 महीने बाद आपका ये फेज मुझे नज़र आया और आपकी वीडियो आई। जब उसको मैंने देखा तो मैं समझ गया कि यार मुझे डॉक्टर ने कभी बताया नहीं था कि मसला ये हो रहा है आपके साथ, ये आपका बीमारी है, आपका ये बीमारी है, ये आपकी वजह है। तो तब मुझे पता चला, जब रियलाइज़ हुआ कि जब आपने मुझे बताया तब मैं सोचा, फिर मैंने दवाई भी कम करना शुरू कर दी सब कुछ। ये बस उसी ये वही उसी टाइम से ये मुझे हुआ था ये सब कुछ। तो आपको मेरी वीडियो 2 महीने पहले मिली थी? नहीं अभी 2 महीने नहीं, 2 साल पहले जब मैं कतर आया उसके बाद 2 महीने, मैं अच्छा, 2 साल पहले यानी कि से आपको कॉल, मतलब दो टोटल साल 22 अठारह अठारह महीने हाँ 22 महीने, तो 24 महीने होते हैं, तो 24 महीनों में से तकरीबन 22 महीनों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और इन 22 महीनों में आपने अपनी जिंदगी को कहाँ देखा? पहले कहाँ देखा और अब कहाँ देखते हैं? पहले तो ऐसा पहने का टेका था तो सर की मस्जिद में जाके ना खड़ा नहीं हो सकता था, मस्जिद में भाग जाता था, सपों के ऊपर से भाग जाता था, नमाज के टाइम भी इधर भी मतलब कतर में भी ऐसा होता था, कभी कभी मेरे साथ हो जाता था। इधर तो पहले काम नहीं था, 1 साल 1.5 साल तो मैं ऐसे बैठा था, काम कोई नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से ज़्यादा टेंशन यही होती थी, कभी किसी से कर्ज़ा लिया, कभी खाने का सिस्टम, कभी मतलब रूम का रेंट वगैरह सब कुछ, तो 1.5 साल इसी तरह रहा, तकलीफ में गुजरता रहा। उसके बाद फिर जॉब मिल गई, अल्लाह का शुक्र है, बस अभी जॉब में वो कंपनी के साथ, तो अकोमोडेशन भी कंपनी दिया हुआ है, तो उसी टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था यही जो एनजाइटी थी, ये पैनिक अटैक वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो देख के डायरेक्ट मुझे बस वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था, लेकिन वीडियो ख़त्म हो जाती थी आपकी दूसरी वीडियो को वेट करते करते तो फिर से ये हो जाता था। आपका वीडियो देखते ही मेरे ऐसा लगे कि आपकी वीडियो देख के मैं टेबलेट खाता हूँ, मैं ठीक हो जाता था आपकी वीडियो को देख देख के, तो इस वजह से बस, जबरदस्त तो आई उस पर अमल भी करता था जबरदस्त। उस पर। मतलब आपने तो बहुत ज्यादा चेंज कर लिया माशाल्लाह। जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ आपके मेहनत है सर और कुछ खुद की भी कोशिश की थी, आपकी बातें बस आपकी बातें आपकी मोटिवेशन नहीं, थी बस। आपकी सारी जो है वो मेहनत है, मेरा तो सिर्फ वो एक बताया हुआ रोड मैप था। सही है सर, अच्छा, बिल्कुल। मुझे आप ये बता सकते हैं कि इन 22 महीनों में आपने क्या क्या कुछ ऐसा किया था कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा अंडरस्टैंड हो सके, जो सोचते हैं कि एंड जो ये बस ठीक है, उनको क्या मतलब किस तरह आप बताएंगे कि 22 महीने? सर कुछ बात थी जो आप बताते थे ना, तो वही वो फॉलो करता था खुद से, तो मतलब ऐसे प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया था ना, खुद तो बस काम के सोच में रहता था, काम ढूंढना है, किधर जाना है, मतलब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ के लिए, लेकिन आपका जो बताया हुआ रास्ता था वही फॉलो करता था, जो आपकी वीडियो है, मतलब मैं बोलता हूँ जो भी मतलब ये ख़त्म करना, मतलब अपनी एंजाइटी डिप्रेशन को कम करना और ये मतलब ख़त्म करना है, तो वो आपकी वीडियो पूरा, जो आपकी जो वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक जो बनाते हो आप, आपका बड़ा शुक्रिया, लेकिन वो जो वो वीडियो है ना वो सारा देख के उसे को फॉलो करके वो अपना ज़िंदगी बदल सकते, तो मैं वीडियो देख कर अपना ज़िंदगी बदला, उसी उसी को सेम फॉलो किया था, वही करता था, वही करता था, जो भी होता जो अभी आप बताते थे वही करता था,
तो उसी साथ साथ बस कुछ अपना भी सोच कर रखता था कि यार कमरान शरीफ साहब ने वो खुद किया है, उसने मतलब जिंदगी बदला है, तू क्यों नहीं कर सकता है। अपने लिए एक अपने को एक मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा जोर देता था कि बोलता कि नहीं तुम भी कर सकते हो, कमरान शरीफ भाई कर रहा है तो कर दिया तो वो आप भी कर सकते हो। किसी लोगों के जरूर किसी की कमेंट्स देख के आपकी वीडियो पे उसको देख के वो बोला मैंने किया ये किया, तो बस मैं बोलता हूँ यार ये बंदा है, देखो इसने भी किया है। कुछ बंदे होते थे वो बोलते हैं कि यार मुझे भी ये मसला है, मैं बोलता हूँ यार ये वो अकेला मेरे को नहीं, ये सबको ये मसला है, बहुत बंदे है। जो भी आपकी वीडियो पे कमेंट कर देता है उसको देख के मैं बोलता यार ये जो अकेला मैं नहीं हूँ, ये बहुत बंदे इसमें शामिल है। तो उसके बाद में यही बस आपकी बताई हुई रूटीन थी, आपकी बताई हुई रोड मैप था, वही चला रहा था बस, और खुद से कुछ मतलब इतना कुछ नहीं किया, मतलब क्योंकि टाइम ऐसा था कि काम का टेंशन था ना इस वजह से, बाकी खाली सिर्फ अपने आप को एक ऐसा के मतलब पक्का करना था। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए पता है क्या, जादू किताब में नहीं होता, जादू किताब में नहीं होता, जादू पढ़ने वाले में होता है, बिल्कुल जादू उसको अंडरस्टैंड करने वाले में होता है। सिर्फ किताब इंसान को नहीं बदल सकती, सिर्फ टीचर बच्चे को पास नहीं करा सकता, सिर्फ जो है ना वो माँ जो है ना वो औलाद की जो है वो तरबियत नहीं कर सकती कि जब तक कि उसके अंदर खुद ना हो। तो आप देखें कि आपके अंदर खुद से मोहब्बत, आपके अंदर खुद से लगन थी, आपने अपनी ज़िंदगी को आसान कर दिया, और 22 महीने पहले आप क्या थे और 22 महीने आप बाद क्या होगे। अभी अगर आप पहले और बाद का कंपैरिजन करते तो आप मेरे ख्याल से आप 10% है, और वो भी 10% इसलिए है कि आप फैमिली से दूर हैं, और थोड़ा इंसान इन्वायरमेंट वहाँ का ऐसा है, एक तो कतर का माहौल ऐसा है कि ये पाकिस्तान और डिफरेंट फैमिली से दूर है, तो वो 10% भी आप जब यहाँ आएंगे ना तो खुद ब खुद इंशाल्लाह आपका वैसे ठीक हो जाएगा। तो जिंदगी तो आपने जो मेहनत की है उसका आपको पे ऑफ कर, मतलब उसका आपको जो है वो दे रही है आप। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ आप कतर में आए हैं तो पैसा खर्च के आए हैं, ऐसे ही है, उसकी आपने एक सही कीमत अदा की। बिल्कुल सर माँ पहले दिन से लेके बच्चे को जब तक पालती पोसती है वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि उसकी एक कीमत अदा करती है कि कल को उसने उस बच्चे से फायदा लेना है। इसी तरह हम सब हैं, बिल्कुल अगर हम अपने ऊपर वक्त लगाएंगे तो हमारी जात बदल जाएगी, अगर हम रूटीन चेंज कर देंगे, अपनी डाइट अच्छी कर देंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, अगर हम बुरी कर लेंगे तो हमारी हेल्थ बुरी हो जाएगी। अगर मैं इस पानी की जगह खुदा ना खास्ता अल्कोहल पीना शुरू कर दूं तो ये मुझे नुकसान करेगा, ये बिल्कुल पानी मुझे फायदा करेगा। इसी तरह अगर मैं देर से सोऊंगा देर से उठूंगा तो मेरा नुकसान है, अगर मैं जल्दी सोऊंगा जल्दी उठूंगा तो मेरा फायदा है। ये मेरा फायदा मेरा नुकसान किसने डिसाइड किया, मैंने खुद किया। तो डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो तो मेरा डिसीजन है, ये तो मैंने डिसाइड किया है ना कि मैंने डिप्रेशन में रहना कि नहीं रहना, मैंने एंजाइटी में रहना कि नहीं रहना। अब इसका कहाँ ताल्लुक हो गया कि मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप देखिए आप कितने बुरे हालातों से निकल के यहाँ कतर में आए बिल्कुल और सर आपने कोशिश किया, अल्लाह ताला ने आपको रास्ता दिखाया। बिल्कुल अल्लाह सर अल्लाह का मैंने जो मैंने जितना इस्लाम के बारे में पढ़ा है मुझे एक ही चीज़ नज़र आई है कि इस्लाम को ना ये वो लोग जो अपने आप को मजलूम समझ लेते हैं, गरीब समझ लेते हैं, बेबस समझ लेते हैं, लाचार समझ लेते हैं, और ये सोचते हैं कि यार हम तो आगे नहीं जा सकते या हम तो कुछ कर नहीं सकते, इस्लाम या नेचर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती। नेचर उन लोगों को सपोर्ट करती है, कुदरत उन लोगों को सपोर्ट करती है कि जो अपने लिए ना एटलीस्ट दौड़ना जानते हो, दौड़ना नहीं तो चलना जानते हो, चलना सही नहीं तो रींगता जानते हो, बस किसी ना किसी स्टेप पे मूवमेंट करते रहे। आप जितनी मूवमेंट करेंगे कुदरत आपको एक ना एक दिन वो दे देगी जो चीज़ आप उससे मांग रहे हैं। बिल्कुल बंदा जिद्दी होना चाहिए, जिद लगा ले तो इंसान। देखिए आप माशाल्लाह आप इस एज में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख गए हैं, थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, और आपको भी पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट। अगर मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा, अपनी रूटीन को, अपनी डाइट को, एक्सरसाइज के पैटर्न्स को, माशाल्लाह आपकी तो एक्सरसाइज वैसे ही बहुत है, आप जो कर रहे हैं आपको बहुत एक्सरसाइज हो रही है, बस आप डाइट तगड़ी कर बिल्कुल लेना जितना आप एक्सरसाइज है कहाँ से कहाँ।
जी, इतना एक्सरसाइज है, सारा दिन सारा खड़ा दिन रहना खड़ा पड़ता कुछ है। सारा दिन क्या खड़ा मुझे नहीं लगा मुझे सारा दिन खड़ा होना पड़ता है, सारा दिन दौड़ना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता। लगा सही बात है सर, बस वही गुजर रही है। एक्चुअली। हाँ, और सर वो जो है ना, असल वो में मेरा नाम मोहम्मद साद है, लेकिन खान इसीलिए रखा है ना, मैं खुद टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकता, टिकटॉक यूज़ करता नहीं हूँ, टिकटॉक मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो लोग टिकटॉक करते हैं ना, अभी दौर ऐसा बना हुआ है कि अभी ये तो मतलब हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन लोग वीडियो बनाते हैं उसके साथ सॉन्ग लगाते हैं वगैरह, ये कुछ सबसे मतलब मैं अलग हो गया हूँ, मैं सब कुछ खत्म किया, मैं खुद भी मतलब टिकटॉक बनाता था, वीडियो बनाता था, ऐसा सब कुछ करता था, लेकिन ये टिकटॉक जब भी मैंने क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया हूँ, एक मोटिवेशन है वो इस्लामिक के स्कॉलर है, ताहा इब्न जलील, वो मैं सुनता था, तो ताहा इब्न जलील को जब सुना तो उसने बोला कि टिकटॉक का जो मतलब वीडियो ये नाचना वगैरह आप बनाते हो, ये देख मतलब करते हो, खुद बनाते हो, अपलोड करते हो, तो मेरे सोच मेरे ख्याल में ये आप मतलब इसमें 2% अच्छाई है और बाकी जो 98% है ये बुराई है, तो उसके बाद मैंने टिकटॉक की सारी वीडियो डिलीट करी। मैं बोला ये तो सच है यार, बंदा जिंदगी से दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी जो वीडियो के साथ जो नाचना गाना और ये गाने वगैरह लगाते हैं और मतलब फिर लोग देखते, तो आपके लिए ये भी मतलब जहन्नम का वो आग का बायस बन सकता है। फिर मैंने नाम भी चेंज किया, तो दोस्त इसलिए नाम चेंज किया कि दोस्त जानते हैं नाम को और तस्वीर को, तो वो फिर कहते हैं हमको लाइक नहीं दिया, हमको कमेंट्स नहीं किया, तो नाम चेंज कर दिया मुकम्मल, खाली मोहम्मद खान रखा, ताकि इनको उनका वीडियो कभी कभी सामने आ जाए तो मैं लाइक और शेयर किसी को नहीं करता, क्योंकि ये सारा वो जो है ना बेशर्मी है, तो बेशर्मी को मैं लाइक नहीं करता और ना मैं शेयर करता हूँ उसको, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ दोस्त भी खपा ना और नाम भी चेंज कर दिया। असल में मेरा नाम मोहम्मद साद है, लेकिन खान रखा हुआ है ताकि किसी को पता अच्छा ना चले। साथ भी मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी प्लेटफॉर्म जो है ना वो अच्छा बुरा नहीं होता, प्लेटफॉर्म अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा इंसान खुद होता है। अब ये देखें हम यहाँ पे आपकी और मेरी मदद हो रही है, ठीक है, आपने लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो आपको लगता था कि इस प्लेटफॉर्म से जो है वो बड़ी आसान हो गई, तो इस प्लेटफॉर्म से मैंने लोगों को अमीर होते भी देखा है, लखपति बनते भी देखा है, करोड़पति बनते भी देखा है। अब असल में चीज़ क्या है कि इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई बेहयाई करेगा ना, नो डाउट 90% इधर बेहयाई है, वो क्यों है, क्योंकि हर हयादार जो बंदा है ना, जो इज्जत और गैरत वाला बंदा है, वो यही सोचता है कि यार ये तो बेहयाओं का प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे क्यों। अगर इस पे अच्छे लोग आने शुरू कर दें, अच्छे लोग आने शुरू हो जाएं, टिकटॉक सिर्फ पाकिस्तान में बेहयाई और इस तरह का है, पाकिस्तान इंडिया में और इन कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी ये लाइव इसकी बैन है, बाकी बिल्कुल सर, यूरोपियन कंट्रीज में आप चले जाएं तो वहाँ ज़्यादातर इसको एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ एजुकेशनल वीडियोज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, स्टोरीज वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल यही सर, नाच गाना आपको ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सर, अगर सही 90% लोग नाच गाना तो वही 90% या जो 100% लोग पीछे बैठे हैं जो एक क्रिएटिव कंटेंट दे सकते हैं, एक अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, और आप देखिए वो नाच गाना करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो लाइव आते हैं और उनको लोग जो है वो इतने इतने पैसा फेंक देते होते हैं। तो वही कोई टीचर, कोई नॉलेजेबल बंदा अगर वो आएगा तो ये हो नहीं सकता कि लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हो नहीं सकता कि लोग उसको गिफ्ट नहीं देंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको गिफ्ट देंगे, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको सपोर्ट करेंगे, उसके घर का सर्किट चल सकता है। तो टिकटॉक फॉर शॉर्ट में और रैपिड जो है ना इनकम और रैपिड ग्रोथ के लिए टिकटॉक बेस्ट है। आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इंसान जो है वो बुराई करे, इस पे बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, इस पे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, इस पे इंसान दूसरों की ज़िंदगी बदल सकता है, इस पे इंसान नॉलेज डिलीवर कर सकता है, नॉलेज ले सकता है। तो टिकटॉक मेरे हिसाब से जितना कुछ मैंने देखा है, नो डाउट यहाँ वल्गैरिटी बहुत है, लेकिन आप वल्गैरिटी यूट्यूब पे भी है, वल्गैरिटी हर जगह पे है, यही आप बात वल्गैरिटी को किसी पर्टिकुलरली, यहाँ ये है ना कि 90% लोगों ने यही सोच लिया है कि ये है ही बुरा, तो जब सारे लोग यही सोच लेंगे बुरा है तो बुराई प्रमोट होगी, आए ना अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग इस पे आए, अच्छे लोग लाइक करें, अच्छे लोग इस तरह के प्रोग्राम करें, कमाएं, अच्छे लोग अपनी जरूरतों को पूरी करें।
इसी बात से तो मैं अभी मतलब अकाउंट खाली खोला हुआ है, खाली रखा हुआ है, क्योंकि इसमें से अच्छे लोग भी आते हैं अच्छी मतलब नॉलेज के लिए। अभी मैं कभी कभी ऐसे पेज लाइक किया हुआ है जो उसमें इंग्लिश लर्निंग है, तो उसमें बंदे लाइव आते हैं, वो इंग्लिश सिखाते हैं, तो ऐसे मतलब मोटिवेशन भी आते हैं, ऐसे मतलब अच्छी बातें के लिए अच्छे क्लिप्स भी आते हैं आपके सामने, तो मैं खाली इसके लिए रखा हुआ है बस। मतलब आपकी बात सही है इमरान भाई, ये जो टिकटॉक मतलब अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो तो अच्छा है, मतलब बुराई के लिए यूज़ कर रहे हो तो बुराई है। मैं अभी ये कह रहा हूँ अंग्रेज कि जो बंदा अच्छी चीज ये कर रहे हैं ना, उसको आपको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सर, ये बात और है, जो बुरे ये चीज कर रहा है उसको डीमोटिवेट कर दो, उसको कहो जी भाई हम तेरे साथ नहीं है, तो गिफ्टिंग जी शिफ्टिंग, उसको अप्रिशिएट करना। देखिए आप जब किसी को अप्रिशिएट करेंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, किसी जी की वाह वाह कारी करेंगे, तो भाई वो तो उतर जाएगा, वो तो और ऊपर चला जाएगा, वो तो कहेगा जी मैं ही मैं हूँ। तो लेकिन जब आप उस बंदे को ये बताएंगे कि भाई तू ये कर रहा है गलत है, ये रिवार्ड लेने के लिए नहीं है, रिवार्ड देंगे तो उसका तो डोपामिन और ऊपर हाई हो जाएगा, उसका ब्रेन केमिकल और ऊपर जाएगा, वो और इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करेगा, वो और इस तरह की चीजें करेगा, आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। सो इस तरह की चीजों में आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि आपको, हमको, हम सबको, इवन मैंने उस दिन एक बंदे की लाइव देखी, वो एक लेडी थी, तो वो घर के बारे में कोई बातें बता रही थी, तो इस तरह उसकी अच्छी लाइफ थी, वो कपड़े वगैरह भी बेचती थी, मैंने उसको जो भी था थोड़ी बहुत ही गिफ्टिंग कर दी उसे, और मैंने नीचे कमेंट भी किया कि आप सब लोग भी इसको गिफ्टिंग करो, ये अच्छा है, आप अप्रिशिएट करो, कमेंट्स करो उस बंदे को कि यार माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे जाए, ऐसे लोगों को आगे लाओ, आप उन लोगों को आगे लाते हो जो यूरोप में जाकर नंगी तस्वीरें, फाहश गुफ्तगू, फाहश वीडियोज़ बनाते हैं, फिर गलत है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हर वो बंदा जो इस तरह के लोगों को एक व्यू भी देता है, एक लाइक देता है, एक शेयर देता है, एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है, वो उनके उस जुर्म में बराबर का शरीक हो जाता है। और हर वो इंसान जो किसी अच्छी चीज़ को सपोर्ट करता है, शेयर करता है, लाइक करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो उसका हकदार हो जाता है, वो उसका हिस्सादार हो जाता है। सो च्वाइस हमारी है, हम जब बदल जाएंगे तो हमारी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, तो हमारे इर्द गिर्द फिर अच्छाई नज़र आएगी। अभी हमारी प्रायोरिटीज़ में बुराई है, अभी हमारी प्रायोरिटीज़ में नाच गाना है, अभी हमारे टिकटॉक खोले तो आपको डांस नज़र आता है, क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं इसलिए लोग बनाते हैं, जब हम देखना नहीं चाहेंगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे। मसला तो हमारे अंदर है ना, बुराई तो शुरू से है, देखने वालों पर डिपेंड करता है। अगर 1,000 लोग बुराई देख रहा है तो याद रखिएगा वो एक बंदा बुराई नहीं कर रहा, आप 10,000 और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जहाँ होगी वहीं जो है वो लोग आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही बिकता है, जो बिकेगा लोग वही बनाएंगे। जी साथ भाई, और कोई चीज आपकी? साथ भाई कॉल कट गई, चले कॉल मेरे ख्याल से आपकी कट गई है, नहीं अभी कॉल चल रही है। चले साथ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा ज़बरदस्त टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव बातें आपने की, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। आई होप सो कि थोड़ा बहुत जो है वो मेरी नॉलेज भी नाकिस नॉलेज के मुताबिक आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, जो आपने सीखा है उस पर इम्प्लीमेंटेशंस करें, यानी कि उन पर जितना ज़्यादा हो सके अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बदलें, और खुशी होगी, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन 22 महीनों में आपने एक अलग ही किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। और मैं तमाम लोगों को जो भी इस लाइव को देख रहे हैं और जो देखेंगे और जो शेयर करेंगे, या इसको लाइव इसको बाद में देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी, कभी भी कोई भी चीज़ ओवर अ नाइट नहीं आती, एक दिन में, एक रात में, एक घंटे में, एक मिनट में कोई कामयाबी नहीं मिलती। ये शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे भागना, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेने का सोचना, ये शॉर्ट टर्म चीज़ों को चेंज करने का सोचना जो ना छोड़ दो। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, मैं जब भी किसी को कोच करता हूँ मैं एक ही बात कहता हूँ, सर मुझे आपने कभी ये नहीं कहना कि मुझे जल्दी जो है वो ब्रेन मेरी प्रोग्रामिंग कर दे, या मुझे जो है वो जल्दी आप ये कर दें वो कर दें। मैं जितना हो सकेगा मैं आपकी लाइफ को बदलने की कोशिश करूँगा, मैं सिर्फ कोशिश करूँगा, बदलना ना बदलना आपने है। अब आज मैंने 5 लोगों को टाइम दिया था, अब इन 5 लोगों को दोबारा टाइम नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट और बहुत से लोग रजिस्टर्ड है, कल और 5 होंगे, उन 5 लोगों में से भी जितने लोग आएंगे आएंगे,
आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो आप दुनिया के खुश नसीब इंसान हैं। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लिटरली मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जिनको ज़िंदगी ने सेकंड चांस नहीं दिया, और मैं बहुत से लोगों को ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको ज़िंदगी ने बहुत चांस दिया। अगर ज़िंदगी आज आपको वक्त दे रही है, इस वक्त की कदर करें। इस वक्त की कीमत है, एक हर चीज़ की एक कीमत है। नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना छोड़ दें। ये आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है जो आपको मरवाता है, या आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है जो आपको पीछे धकेलता है। आप आगे नहीं जा पाते, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में डिफरेंस क्या आता है? वही जो करता है वो कामयाब हो जाता है, और वही जो सोचता रहता है करता ही नहीं है, आगे जाने से डरता है, एक कदम नहीं उठाता, और कदम उठाता है तो रुक जाता है। जी कदम उठाया, कुछ मिला नहीं, नहीं मिलता, नहीं मिलता। यकीन करो, 7 साल यूट्यूब पे मैंने रगड़ा, इतना अपने उतना खर्चा इतना कर दिया, इतना कुछ पैसा लगा दिया, मुझे उन 7 सालों में 1 साल बाद जाके $500 मिलता है यूट्यूब से, $500। इससे ज़्यादा मेरा 1 महीने का उस वीडियो बनाने पर खर्चा आ जाता है। पर मैं नहीं रुका, मैं पीछे नहीं हटा, ना मैं हटूँगा इंशाल्लाह। इस सब को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि दोस्त जो कर रहे हो ना, पूरी ईमानदारी से करो, लगन से करो, आग लगा दो, जला दो, जल जाओ, और इस जलते जलते अपने आप को जो है ना वो अमर कर जाओ। कि तुम्हारे अंदर एक ज़ात होनी चाहिए, वो इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, वो दर्द तकलीफ से बागी निकली खुश। जिंदगी में खुश तभी होगे आप जब आप अपने आप को वक्त दोगे। दुनिया की सबसे बड़ा अगर कोई लव है ना अल्लाह के बाद, वो सेल्फ लव है। और दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा कोई फ़ायदा दे सकती है कोई ज़ात अल्लाह के बाद, वो आपकी ज़ात है। आपने खुद अपने लिए करना है। डिप्रेशन आपकी चॉइसेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल पा रहे तो सोचना है एक बार कि क्या मैं बदलना चाह रहा हूँ, क्या मैं करना चाह रहा हूँ, कि जो मैं रोज़ करता हूँ क्या मैं वही कर रहा हूँ, कि एक दिन करता हूँ छोड़ देता हूँ। भाई ने कहा मैंने 22 महीने किया। मैं ऐसी लेडी को भी कोच कर रहा हूँ जो पिछले 3 साल से रोज़ाना मेरे से एक कोचिंग लेती है ब्रेन प्रोग्रामिंग की, और इन 3 सालों में वो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ 3 सालों में रेगुलर कोचिंग ऑन एंड ऑफ, कभी वो छुट्टी करती हैं 3 साल जिंदगी के, वो कहती हैं कि अब जाके मैं 40-50% अपने अंदर बेहतरी महसूस करती हूँ। और भाई आपको किसने कह दिया एक दिन में ठीक हो जाए? कामरान शरीफ साहब को खुद 3.5 साल लगे हैं। कामरान शरीफ साहब, क्या मेरा मसला यह है कि यार मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे झूठ नहीं आता, मुझे मेरे से बोले नहीं जाता, मैं बोलूँगा तो मेरे ज़ुबान लड़खड़ाने शुरू हो जाएगी। तो जो सच है वो सच है, सच को एडमिट करो दोस्त। वक्त लगना है, वक्त लगाना पड़ना है। वक्त लगाओगे तो ज़िंदगी बदलेगी, वक्त नहीं लगाओगे, आज करोगे कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे तरसों, यार आपको पता ही नहीं चलना आपको, कि आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं चेंजेस, वो इतनी चेंजेस आस्ता 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 बढ़ती हैं। आप एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 3रे दिन नहीं करते। ये एक आदत बदल दो, आदत बदलो कि हर रोज़ करोगे, वादा करो कि हर रोज़ करोगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ लाइव आऊँ, मैं रोज़ आपको मोटिवेशन दूँ, मैं रोज़ आपकी ज़िंदगी में बदलने के लिए थोड़ा सा भी अगर मैं कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट करूँ, मैं अपनी ज़ात पे 110% जितना मैं दे सकता हूँ मैं दूँ। मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। क्या आप अपने आप से पूछो, मेरा तो छोड़ दो, मुझे तो आपसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, क्या आप अपने आप के साथ मुखलिस हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो? टेल मी। जो 5 लोगों को आज टाइम दिया था, मैं बुरा नहीं कह रहा उनके बारे में, बट ज़रा सोचें, मैंने 2 घंटे की लाइव करनी थी, और मैंने सोचा था कि हर बंदे को एटलीस्ट इतना टाइम दूं कि 2 घंटे प्लस भी चली जाए, मुझे उस बंदे को एक दफ़ा जो है ना वो प्रोग्राम कर देना चाहिए कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी जो है वो किसी भी उसमें ना जाए। आप क्या मैं उन 5 लोगों से हूँ कि आप बताएं? चले मान लेते हैं किसी एक की मजबूरी रही होगी, मान लेते हैं 2 की मजबूरी रही होगी। आप उन 5 लोगों की बजाय ज़रा 50 लोगों पे रख के ये बात सोचें, क्या आपको कोई वक्त दे रहा है तो आपको कदर नहीं हो रही उसकी? इस दौर में मेरा तो नहीं, आपने अपना भी नुकसान किया, आपने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया। मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या है? सोचो तो सही ज़रा, मेरा क्या, मेरा कुछ गया?
मेरा कुछ नहीं गया, मेरा कोई नुकसान हुआ? नुकसान आपका हुआ। खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, आपके सिवा किसी और ने नहीं करना ये काम। प्लीज़ कोई वक्त दे, उसकी कदर करें, आप खुद भी अपने वक्त की कदर करें। और मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो लाइव वगैरह ये वो है, इस सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप लोग देखो। आज मेरी सात भाई से कितनी डिटेल बात हुई, कितनी चीज़ें मैं उनसे मैसेज पे नहीं हो सकता था। आप करते मैसेज, एक मैसेज आता 10,000 बीच में और मैसेज आते हैं। लास्ट सीजन में था यूट्यूब पे, एक मैसेज का जवाब 50 मैसेज बीच में, बात ही भूल जाती अगले को क्या बात की थी। ये वन ऑन वन है, आप आए लाइव, आए लाइव बात होगी, इन डिटेल बात होगी। आपको देखो सात भाई ने भी अपना फेस नहीं दिखाया, फेस वेस नहीं देखना मुझे, मुझे आपके फेस वेस से कुछ नहीं लेना, आपको बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। तो प्लीज़ फॉर नेक्स्ट टाइम जो लोग भी टाइम दें, काइंडली यार टाइम पे आओ, मैं अपने टाइम को ज़ाया नहीं कर सकता। अगर आपको नई टाइम चाहिए पहले बता दो, कोई प्रॉब्लम आ गई है पहले बता दो, जो टाइम है उससे पहले बता दो, ताकि हम किसी और बंदे को स्कैड्यूल कर लें। लेकिन उस टाइम पे आप कर दोगे वो ज़्यादती है हमारे साथ भी और आपके साथ भी। तो बाकी इस पूरी लाइव में, लाइव चल रहा है हमने, आप लोगों ने दिल खोल के गिफ्टिंग करनी है, आप लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट करना है, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, मैं इंशाल्लाह उन लोगों को सपोर्ट करूँगा जो यानी कि जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं। और उस सब में जो वक्त लगेगा, जो चीज़ें लगेंगी, सारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे, वो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ताकि हम उस हर चीज़ को जो है वो मैनेज कर सकें। एक प्रोफेशनल के लाइफ का एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है, इस बात को अंडरस्टैंड करके चलिएगा। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। आप इस लाइव को जब भी जो है वो देखें, तो आपको रोज़ाना रात 8 बजे इंशाल्लाह मैं टिकटॉक पे लाइव आया करूँगा। बेहतरीन मेरा जो है वो कोशिश होगी कि मैं जितना ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा आपको डिलीवर करूँ कर सकता हूँ मैं करूँ। तो इंशाल्लाह फिर आज की लाइव यहीं ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे एक नई लाइव में मिलेंगे, नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।